दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्रियो पैरामेट्रिक में सॉलिड पैटर्न कमांड्स। तो आओ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने पहले से ही एक एक्सट्रूड कमांड से एक पार्ट बनाया हुआ है और उसके ऊपर एक्सट्रूड से ही एक कटआउट करके एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। अब मुझे इस रेक्टेंगल को पैटर्न करना है। मुझे इस रेक्टेंगल की दो रो चाहिए, टॉप टू बॉटम रो चाहिए। सपोज करो मुझे तीन या चार रो चाहिए टॉप टू बॉटम, और तीन रो चाहिए हैं लेफ्ट टू राइट। तो इसके लिए मैं पैटर्न कमांड यूज करूंगा। पैटर्न कमांड कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं एक्सट्रूड पे जाता हूँ, जो ये मैंने कटआउट मारा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि ये पैटर्न का सिंबल है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं पैटर्न। अब एक विंडो खुल के सामने आती है आपके, जिसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, जैसे स्टार्टिंग में डायमेंशंस पैटर्न। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ, डायरेक्शन, एक्सिस, फिल, टेबल, कर्व और पॉइंट। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे फर्स्ट डायरेक्शन और फर्स्ट डायरेक्शन के मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर। ऐसे ही सेकंड डायरेक्शन और सेकंड डायरेक्शन के नंबर ऑफ मेंबर। तो हम सबसे पहले लेते हैं डायमेंशन पैटर्न। तो डायमेंशन पैटर्न मैं अगर लेता हूँ, तो सबसे पहले अगर आप कमांड लाइन में देखेंगे तो ये आपको पूछेगा आपसे कि सिलेक्ट दी डायमेंशंस टू वेरी इन दी फर्स्ट डायरेक्शन। आपको फर्स्ट कौन सी डायरेक्शन में इसको पैटर्न करना है, तो हम पहले फर्स्ट डायरेक्शन सिलेक्ट आइटम पे क्लिक करेंगे और एक डायमेंशन इसको दे देंगे, या तो लेफ्ट टू राइट वाली या टॉप टू बॉटम वाली। तो मैं लेफ्ट टू राइट की डायमेंशन सिलेक्ट करता हूँ ये। उसके बाद ये 20 mm है, 20 mm के स्पेस पे मुझे कितने कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी मेंबर्स चाहिए हैं, कि कितने एक्सट्रूड लगने चाहिए। तो मैं यहाँ पे चार फिल कर देता हूँ, चार। इसके बाद हम जाते हैं सेकंड डायरेक्शन पे, क्लिक हेयर टू ऐड आइटम। सेकंड डायरेक्शन मैं टॉप टू बॉटम कर देता हूँ। सेकंड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी मुझे चार मेंबर चाहिए हैं, चार मैंने फिल कर दिया। अब मैं इंटर करूंगा तो आपको ये एक पैटर्न दिखाई देगा। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो ये कट गया। इसका रीजन ये था कि जो हमने एक्सट्रूड मारा था उसकी डायमेंशंस और जो पैटर्न्स की डायमेंशंस थी वो कम थी उससे। तो मैं इसमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस कम कर देता हूँ, जैसे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये मैं 10 बाई 8 का एक रेक्टेंगल कर देता हूँ। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, तो आप देखोगे कि ये चार पैटर्न्स लग गए हैं हमारे, चार रो इस साइड हैं और चार रो इस साइड हैं। ये तो है हमारा डायमेंशन पैटर्न। अब हम चलेंगे इसके दूसरे पैटर्न में। डायमेंशंस के बाद आता है डायरेक्शन पैटर्न। डायरेक्शन पैटर्न को मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से डायरेक्शन पैटर्न सिलेक्ट कर दिया मैंने। इसके बाद वही कमांड लाइन में ये पूछता है, डिफाइन द फर्स्ट डायरेक्शन, सिलेक्ट द प्लेन, फ्लैट फेस, लाइनर, कर्व, यूसीएस, एक्सिस और एक्सिस। तो मैं कोई भी, आप या तो एज सिलेक्ट कर सकते हैं, या प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फेस सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक्सिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट डायरेक्शन, यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्शन के लिए मैं एज सिलेक्ट कर देता हूँ। ये जैसे ही आप एरो को एज के पास लेके जाओगे, एज हाईलाइट हो जाएगा और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसमें आप देखोगे कि नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए और उन मेंबर्स के बीच में कितनी स्पेसिंग चाहिए, कितनी बाई कितने mm दूर पे एक दूसरे के बीच में कितने mm की दूरी आपको चाहिए, तो वो मैं फिल कर देता हूँ। ये 20 mm। इसको आप डायरेक्शन, ये जो आइकन है, जो एक दो एरो के बीच में एक स्लैश लाइन दी हुई है, इससे हम डायरेक्शन इसको चेंज कर सकते हैं अंदर बाहर। ये मैं जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बाहर की साइड चली गई और ये अंदर की साइड। इसमें मैं स्पेसिंग आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने 30 कर दिया, यहाँ से चार की जगह पे मैंने 5 मेंबर कर दिए, तो ये यहाँ पे क्वांटिटी आप काउंट करोगे तो ये 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार से सेकंड डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन के क्लिक हेयर टू ऐड आइटम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं सेकंड डायरेक्शन देता हूँ, सेकंड डायरेक्शन सेकंड एज मैं दे रहा हूँ।
सेकंड एज दे दिया, उसके बाद मुझे कितने मेंबर चाहिए, सपोज करो मुझे 8 मेंबर चाहिए इस डायरेक्शन में, और स्पेसिंग इनके बीच में मुझे 10 mm की स्पेसिंग चाहिए, 10 तो कम होगी तो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो जाएंगे, मैं इसकी इसकी स्पेसिंग डायमेंशन इंक्रीज कर देता हूँ, मुझे 25 mm की स्पेसिंग चाहिए। तो आप देख पाओगे कि ये पैटर्न लग गया, जैसे ही हम ओके करेंगे इसको तो ये पैटर्न, ये जो मैंने क्वांटिटी दी थी 10 10 पैटर्न्स की, यहाँ पे मेरा कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये हवा में आ गई है। तो आप इसको चाहे तो कम भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं इसको 8 कर दूंगा, 8 की जगह पे मैं 8 की जगह पे मैं 6 कर दूंगा तो ये इसके अंदर आ जाएगी, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से ये हमारा डायरेक्शन पैटर्न। अब हम जाएंगे तीसरे पैटर्न में, एंड डायमेंशन ये है एक्सिस पैटर्न। एक्सिस पैटर्न के लिए हमारे पास सबसे पहले एक्सिस होना चाहिए जिसके अराउंड वो पैटर्न मारेगा, तो ये एक सर्कुलर टाइप से हमारा पैटर्न होगा, तो मैं ये भी आपको करके दिखाता हूँ। ये एक्सिस कमांड, एक्सिस पैटर्न कमांड ली हमने एक्सिस, इसके बाद वो कहते हैं कि फर्स्ट डायरेक्शन। अब इसके लिए हमें एक एक्सिस बनाना पड़ेगा, मैं एक एक्सिस क्रिएट कर लेता हूँ, दो प्लेन बना के, ये और ये, ये एक्सिस मैंने क्रिएट कर लिया और ये एक्सिस मेरा सिलेक्ट हो गया। तो जैसे कि हम देखेंगे कि सेकंड डायरेक्शन में 6 मेंबर हैं, यहाँ पे 5 मेंबर हैं, तो आपके सामने एक पैटर्न दिखाई देगा आपको, वो इस एक्सिस के अराउंड ही इसको, इस एक्सट्रूड को पैटर्न कर देगा। अगर मैं ओके करूँ यहाँ पे, आप 90 डिग्री की जगह डिग्री एंगल की, डायमेंशन भी कम कर सकते हो, जैसे सपोज करो मैंने 45 पे कर दिया, 45 पे होने के बाद ये देख पाओगे कि आप 45 डिग्री के एरिया में ही इसने पैटर्न किया है दोनों। इसको मैं 60 कर दूंगा तो ये 60 डिग्री पे आएगा, और 120 कर दूंगा तो 120 डिग्री पे ये पैटर्न कर देगा इसको हम। और रेडियस डिस्टेंस, यहाँ पे रेडियस डिस्टेंस भी फिल करना होगा, सपोज करो मैंने यहाँ पे अभी 0.25 का है, तो मैं यहाँ पे 20 mm का रेडियस पिक कर देता हूँ, तो ये 20 mm के रेडियस के ऊपर इसको पैटर्न मार देगा। जैसे ये बाहर थे, जैसा कि मैंने बताया था ये कंपोनेंट से बाहर गए हैं, तो आप इसको ठीक की तरह पे कम डायमेंशन करके या ज्यादा करके आप इसको अंदर भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सिस पैटर्न। आज हम इन 3 ही पैटर्न के बारे में आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले दूसरे जो पैटर्न्स हैं इनके अंदर वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू।